अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अल्फा अधी सिक्योरिटीज। दिस इज साकिब हुसैन मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ। आज फ्राइडे 24 दिसंबर 2021। अच्छा जी, आज की न्यूज़ की बात करें तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 6th रिव्यू IMF बोर्ड को जो है 12 जनवरी को प्रेजेंट करेगा, और उससे पहले पहले गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के थ्रू 2 बिल पास कराने, जिसमें एक मिनी बजट होगा और दूसरा जो है वो SPP ऑटोनोमी का बिल होगा। इसके अलावा अगर न्यूज़ की बात करें तो कल FBR ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान से कुछ आइटम्स पे इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया है। उसमें मेजरली कोल है, मार्बल है और कंटेनर्स भी अगर हम इंपोर्ट करेंगे अफगानिस्तान से तो उस पर कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया। तो बेसिकली कोल जो है वो सीमेंट प्लेयर्स यूज़ करते हैं, मोस्टली नॉर्दर्न प्लेयर्स, तो उनको थोड़ा सा उनके लिए बेनिफिट है। इसके अलावा कल SPP ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर पब्लिश किए, जिसमें देखा गया कि $400 मिलियन का डिक्लाइन आया है, और अब SPP के जो रिजर्व्स हैं वो $18.5 अरब से कम होकर $18.1 बिलियन पे आ गए। कमर्शियल बैंक्स के साइड पे जो है रिजर्व्स जो हैं वो फ्लैट रहे ऑन वीक बेसिस एट $6.4 बिलियन। इसके अलावा अगर हम कल मार्केट की बात करें तो मार्केट कल पॉजिटिव रही और 91 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 44,266 पॉइंट्स पे क्लोज हुई, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर, सिविल सेक्टर में थोड़ी एक्टिविटी देखने में आई, और वॉल्यूम भी जो थे कल हमारे इंक्रीज हुए फ्रॉम 152 मिलियन टू 240 मिलियन पे गए, और वैल्यू टर्म्स भी जो है कल हमारी इंक्रीज हुई और $37 मिलियन से इंक्रीज होकर $45 मिलियन से पहुँच गई। आज 2 सेशंस हैं तो मोस्ट लाइकली जो है मार्केट में थोड़ी वॉलीटिलिटी रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।